अक्टूबर का महीना अप्रैल में ही आ गया है। जी हाँ, अक्टूबर नाम की फिल्म आ रही है, 13 अप्रैल को रिलीज हो रही है। फिल्म के जो हीरो हैं वरुण धवन, हीरोइन बनीता संधू और डायरेक्टर सुजीत सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। आज कुछ खास होने वाला है यहाँ पर, हमें लग रहा है कि कुछ बनाकर आप लोग दिखाने वाले। क्या कुछ होने वाला है आज? क्या है ना, हम लोग एबीपी पे लाइव है, अक्टूबर 4 दिन में रिलीज होने वाली है, इट्स कमिंग आउट दिस फ्राइडे। सो वी सेड कि देयर इज व्हाट बेटर वे, क्योंकि मी एंड बनीता हम लोग होटल इंटर्न्स प्ले कर रहे हैं, तो सुजीत सरकार जो हमारे टीचर है फिल्म में, जो जिन्होंने हमें सिखाया है कि किस तरह होटल में बिहेव करते हैं, वो हमें थोड़े से टिप्स दिखाएंगे कि जब आप एक सैंडविच बनाते हो कैसे बनाते हो। सैंडविच जब तक बनाएंगे तब तक हमारा टाइम खत्म हो जाएगा इंटरव्यू का, लेकिन मैं बता दूं। आप टमाटर काटते-काटते बोल दो, व्हेन डिड यू थिंक ऑफ मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड अक्टूबर? देखिए, इस फिल्म में ये दोनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक होटल ट्रेनी का है, होटल इंटर्न, और होटल इंटर्न को हर डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है। दिस इज अ वेजिटेबल कटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ सैंडविच बनता है, उस तरफ दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, लॉन्ड्री है, रेस्टोरेंट है, किचन है। सो इस फिल्म में वरुण और बनीता ने हर डिपार्टमेंट में काम किया है। सो इसीलिए वी थॉट कि व्यूअर्स को एक टूर दे दें कि होटल के पीछे क्या होता है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क बनीता, सिंस इज योर फर्स्ट फिल्म, ऑब्वियसली यू ऑल्सो, आपने भी होटल में नहीं काम किया इसके पहले, बट जब आप ये फिल्म कर रही थी, विच पार्ट ऑफ द होटल डू यू एंजॉय वर्किंग इन द मोस्ट? For me, the funnest part was being behind reception, because guests actually thought that I was a real member of staff. But yeah, actually hua tha dada ki koi reception pe aaya tha aur Banita was the receptionist that time. She greeted them and they were checking out, and I don't know, was the camera, I don't even think the camera was rolling when Banita said, yes, yes, I'll help you sir, please go. Pehli baar saari pehna tha zindagi mein is film mein, lobby mein assistant thi. अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोग होटल इंटर्न्स प्ले कर रहे हैं, कितना मुश्किल और आसान था आप लोगों के लिए वो सारे काम करना जो आपने लाइफ में कभी नहीं किए हैं? कपड़े धोना, सब्जी काटना या लॉन्ड्री करना, ये सारे काम आपने कभी नहीं किए होंगे, तो कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था ये सब करना, क्योंकि एक मेथड होता है ये सारी चीज़ करने को, एंड पूरा दिन हम लोग पैरों पे रहते हैं, जब इंटरव्यूज देते हैं तो पैरों पे रहते हैं, मगर वहाँ पूरा दिन 24/7 360 टाइम्स अ डे वी आर ऑन आर फीट ओवर देयर। और भी बहुत चीज़ें हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट होटल लाइफ, देयर इज अनदर लाइफ ऑल्सो विच शिवली एंड डैन गो थ्रू, जिसके बारे में हम नहीं बोलेंगे आपको। यू हैव अनयूजुअल सी लव स्टोरी है और ट्रेलर में दिख ही रहा है, इट इज एन अनयूजुअल लव स्टोरी फॉर श्योर। ऑलवेज शुरू से ही बोला है मैंने कि एक अनयूजुअल स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी है, लव स्टोरी कितना है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इसमें कुछ रिलेशनशिप की कहानी है, और लव क्या होता है उसको कोशिश किया है डिफाइन करने का। एक बहुत बड़ी चीज़ है इस फिल्म में, वो है फोन। डैन फोन नहीं यूज करता है, अगर आप जहाँ भी जाओ आप देख सकते हैं मोबाइल फोन। हम अभी भी हम लोग बैठे हैं कि 10 लोग फोन के साथ है, इधर कैमरा के पीछे, मतलब फोन को छोड़ ही नहीं रहा है ये आदमी, मतलब वो रिकॉर्ड भी करने की कोशिश कर रहा था, उसको पता भी नहीं हम लोग उसके बारे में बात कर रहे, बट फिर भी फोन एक इस तरीके का चीज है जो मतलब लोग खो गए उस दुनिया में, और जो हमारी जो खूबसूरत दुनिया है जो भगवान ने हमें दी है, हम लोग वो नहीं इंजॉय कर रहे, और जो फोन से भी बेटर है जो कैमरा वो हमारी आंखें हैं, उसका उपयोग लोग कर ही नहीं रहे, और वो जो मेमोरीज कैप्चर करता है, आई थिंक इट्स टाइम पीपल स्टार्ट यूजिंग दैट मोर देन अ मोबाइल फोन। आप जब कास्टिंग करते हैं अपनी फिल्म के लिए, बहुत सोच समझ के कास्टिंग करते हैं, सिर्फ हीरो को कास्ट करना है इसलिए कास्ट नहीं करते हैं कि उसकी कमर्शियल वायबिलिटी है इसलिए कास्ट नहीं करते। आपने वरुण में क्या देखा? और हमने सुना है कि आपने वरुण को सबसे आखिर में कास्ट किया पूरी कास्टिंग होने के बाद, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, ये वरुण ने ही कहा था, मुझे ध्यान नहीं था, वरुण ने मुझे याद दिलाया कि आई वॉज द लास्ट वन टू बी कास्ट। देखिए सबसे पहले तो कि जो किरदार है जो आप कैरेक्टर प्ले करते हैं उसकी एक ऑनेस्टी होती है, और वो आप में होना चाहिए और वो आपके अंदर होना चाहिए, और वो आप क्या स्क्रीन में लेके आ सकते हैं, यू हैव टू ब्रिंग इट अलाइव ऑन स्क्रीन द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग। और मैं वही देखता हूँ, उसी ऑनेस्टी को और इंटीग्रिटी को देखता हूँ, और मुझे दिखा वो कि ये परफेक्ट डैन है, और तभी मैंने इनको बोला कि आप इस फिल्म में पार्ट करोगे, तो उन्होंने कहा मैं करूँगा। नॉर्मली जो फिल्मों में कास्टिंग होती है हीरो को पहले कास्ट किया जाता है, यहाँ पे आपकी कास्टिंग बहुत ये बहुत एक आउटडेटेड चीज़ है, एंड इसीलिए सिर्फ पता नहीं मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में कि हीरो को कास्ट किया जाता है, वी ऑल कैरेक्टर्स इवेंचुअली, यू नो डैन इज अ कैरेक्टर, शिवली इज अ कैरेक्टर, अदर कैरेक्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस फिल्म, प्रॉब्ली मोर इंपॉर्टेंट देन मी एंड हर ऑल्सो, यू नेवर नो।
सो आई एम सेइंग कि हम हर इंसान इस फिल्म में किरदार निभा रहा है जो एक स्टोरी कहना चाहता है. मैंने पहले भी ये कहा था कि कंटेंट किंग है इस फिल्म की, स्टोरी किंग है, वही स्टार है इस फिल्म में. एंड हम सब साथ में इसलिए आए ताकि हमें कहानी बोल सके और उससे जो मीनिंग निकलता है या जो मॉरल निकलता है वो आपको हिट करेगी. आपके लिए भी डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट हम आई गई थी, हमने सुना है, वो क्या है जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या करने के लिए मना किया था और क्या क्या करने को कहा था सुजीत ने आपको फिल्म के लिए. सो आई विल गिव सम ऑफ देम, यू विल गिव सम ऑफ देम. तो एक मुझे दिया था कि डोंट यूज योर मोबाइल फोन सुबह में जब उठो, तो आप लुक एट नेचर, लुक एट प्लांट. डू यू स्पीक स्लोली? आई गॉट दैट वन अ लॉट. स्लोली बात करने मुझे बोला था. डू स्पीक सॉफ्टली, मैं बहुत ऊंचे स्वर में बात करता था तो मुझे आराम से बात करने को और बहुत मेरा वॉल्यूम लेवल थोड़ा नीचे करने के लिए कहा था. Do you meditate? That was an important one. That was an important one. Do not sleep. काफ़ी बार शूटिंग के वक्त क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे टायर्ड लगना था सीन के लिए तो मुझे कह देते कि सोना मत करो. Do you not dress like Miley Cyrus? ये मुझे नहीं खाता था. पर देर वॉज अनदर वन टू बी ऑनेस्ट. और इसका ये मतलब नहीं था कि बी एन ऑनेस्ट एक्टर. इसका ये मतलब था ट्राई एंड बी ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग दिस टाइम. कि कुछ नहीं भी आता है तो बोलो सीधा कि नहीं आता है मुझे, मैं सीखना चाहूँगा या मुझे सिखा दो. सो वो बहुत डिफिकल्ट होता है. सबसे डिफिकल्ट चीज़ आज के जिंदगी में है टू बी ऑनेस्ट. सबसे मुश्किल चीज़ क्या करवाई सुजीत सरकार ने आपको फिल्म में काम करवाते वक्त? लाइक आई सेड ऑनेस्टी. वो बहुत डिफिकल्ट होता है. कभी कभी क्या होता है कि एक्टर एक सीन कर रहा है, हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं ऐसे बोलता हूँ, हाँ डायलॉग बोल दिया, हाँ ठीक है. उसको पता है, एक्टर को पता है कि उसने ठीक से सीन नहीं किया, बट ही डजंट हैव द गट्स टू से कि यार मैं गलत कर रहा हूँ या मुझसे नहीं हो रहा है. मुझे ऑनेस्ट होना पड़ा क्योंकि इस फिल्म में अगर बहुत सारी चीज़ थे, आई से 90% ऑफ द फिल्म मैं नहीं कर पा रहा था खुद. आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट एंड आई कुड नॉट हैव ईगो कि मैं उनको बोलूँ कि मुझसे हो रहा है. तो आई हैड टू गो एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम सुजीत दा, फ्रॉम जूही, फ्रॉम बनीता. और कई बार इन्होंने मेरी बहुत मदद की और बोला है कि वरुण डोंट डू इट लाइक दैट, व्हाई डोंट यू ट्राई इट लाइक दैट, ट्राई इट दिस वे. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर क्रू फॉर दैट. हिंदी में डायलॉग्स बोलने पड़े होंगे तो डिफिकल्ट नहीं था. तो हिंदी में डायलॉग्स बोलने पड़े होंगे तो कैसे आपने मैनेज किया? I mean I have this guy behind me, so he and Juhi as well, she's very good at feeding me dialogues and it'd be just I'd be brainwashed and I was surrounded by Hindi speaking crew, so it was quite not easy but it was made easier to pick up the language. But मैं एक्चुअली बनीता के लिए कहना चाहूंगा कि स्पीकिंग द लैंग्वेज वाज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर हर. दिस उन्होंने इससे भी 10 गुना कुछ डिफिकल्ट किया है इस फिल्म में, जो शिवली का कैरेक्टर है. और मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि जब शी इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, शी इज़ द यूएसपी ऑफ द फिल्म, और वो लोगों को पता नहीं अब तक. सो इवन आई एम वेटिंग फॉर फ्राइडे सो दैट पीपल कैन सी व्हाट दिस गर्ल हैज़ डन इन द फर्स्ट. सुजीता, वरुण ने और बनीता ने बताया कि कितनी मुश्किल चीज़ें और डूज एंड डोंट्स की आपने जो लिस्ट थमाई थी, ये करना है ये नहीं करना, इतनी मेहनत कौन सा डायरेक्टर करवाता है आज की तारीख में, आप बताइए. नहीं, ये तो मैं बता नहीं सकता कौन करा सकता है. मैं इतना बोल सकता हूँ कि हर एक्टर को मेहनत करना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए फिल्म, यू विल हैव टू गेट इनटू द फिल्म, उसके मिली, उसके एनवायरनमेंट में, उसकी जो फिल्म की जो बेसिक सोल है उसमें घुसना पड़ता है. और उसके लिए एक प्रिपरेशन ज़रूरत होता है. बिकॉज यू नो एज एन एक्टर यू डू 2-3 डिफरेंट फिल्म एंड हर फिल्म का सोल अलग होता है, सुर अलग होता है. सो इस सुर में घुसने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है. अगर इस लव स्टोरी को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए, जैसे ट्रेलर में आता है कि एक अनयूजुअल सी लव स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी अबाउट लव नॉट लव स्टोरी, तो कैसे आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे इस फिल्म को? आई थिंक मैं आई विल टेक बनीताज वर्ड्स अगेन. आई विल डिस्क्राइब दिस फिल्म एज अ मोर स्पिरिचुअल फिल्म देन स्पिरिचुअल वर्ड इज द राइट वर्ड एक्चुअली. अप्रैल 13 को जाके ये फिल्म को महसूस कीजिए. गिव इट अ ट्राई. ये फ्राइडे को रिलीज हो रही है. थैंक यू सो मच. एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई.
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।